हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो स्वागत है आप सभी का द रॉयल फूडी के एक और नए व्लॉग में। टुडे वी आर इनवाइटेड एट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रोहतक फॉर अ वाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रोहतक। सो इफ वी विल टॉक अबाउट IHM रोहतक, इट्स लोकेटेड नियर एट लोकल टूरिस्ट स्पॉट तिलियार लेक। तो आइए चलते हैं अंदर। हाय, आई एम मुनेश डाडा एंड आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर हेयर। आई एम टेकिंग केयर ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। द नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रोहतक एंड वी आर ट्रेनिंग द यंग ब्रेन्स टू परस्यू अ करियर इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। I am personally taking care of food and beverage service department here, and today I am organizing a practical workshop which is called Food and Wine Harmony Workshop, wherein we are being sponsored by Grover Vineyards, and this workshop is all about giving practical insights and practical inputs to all the students, wherein they will be learning how to actually serve a wine and how to match a particular type of a wine with a particular type of a food. So there are many levels in which our students are supposed to undergo while learning the actual food and wine harmony. So this is level one, wherein they'll be learning how to taste the wine, how to appreciate the wine, and how to match a particular wine. So here you can see I have three bottles lined up. This one is sparkling wine by Grover's. And this one is a white wine bottle, and this is rosé. So rosé, you can see the color resembles pink. This is actually a pink color. So rosé is a French word which refers to pink in French. So here I have all three wines poured into my glass. This is rosé wine in this glass, and this one is red wine, and this one is my sparkling wine. And here you can see there is a platter of food, wherein I have plain unsalted crackers, there is cheese, and there is plain bread. So I'll be getting insights from the trainer, who's a WSET level 3 certified sommelier. He will be teaching us, all our students, how to appreciate a wine, how to match, or how a wine is compatible with what kind of food. So this is all basically practical input that all our students are going to receive today. So that's all about workshop. Thank you. बेसिकली मैं इंचार्ज हूँ फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट का, जिसे हम शॉर्ट में F&B सर्विस बोल देते हैं। तो F&B सर्विस का मतलब है बार, रेस्टोरेंट, फाइन डाइन ट्रेनिंग, जितने भी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं उनके बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं, उनके ऑपरेशंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो हम सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को। सर, क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं सर F&B सर्विस में? करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में, तो दैट पर्सन कैन गो टू बार, वो बार में ज्वाइन कर सकता है, होटल में ज्वाइन कर सकता है, काफ़ी सारे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जा सकता है, क्रूज लाइनर्स में जा सकता है, इवन इवेंट मैनेजमेंट में फूड एंड बेवरेज सर्विस का स्कोप है, वहाँ इवेंट मैनेजमेंट में जा सकता है, और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है और अपना एक स्टार्टअप भी कर सकता है। सर, आपके कुछ मतलब पुराने स्टूडेंट्स जिनके आप टच में हो और अभी वो एकदम बाहर में लगे हुए हों? स्टूडेंट्स बहुत हैं मेरे जो पुराने हैं, पास आउट हैं। मैंने अपना टीचिंग करियर 2009 में स्टार्ट किया था, तो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स नाउ, एंड 13 साल में लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग वंडर्स इन द इंडस्ट्री। बहुत से बच्चे इवेंट मैनेजमेंट में हैं, बहुत अच्छे ब्रांडेड बार्स में हैं, होटल्स में हैं, अच्छी पोजीशंस में, क्रूज लाइनर्स में हैं, कुछ ने अपने रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन और अपना स्टार्टअप भी किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, फील्ड्स में हैं, एंड दे आर डूइंग
ग्रेट इन देयर लाइफ. थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब बच्चों के लिए जो है ये ऑर्गेनाइज करवाई वर्कशॉप. माय प्लेजर. आज की वाइन वर्कशॉप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज ग्रोवर एंड जाम्पिया वाइन यार्ड से हमारे पास मिस्टर एकाग्र शर्मा आए थे, हु इज़ अ सर्टिफाइड लेवल 3 सोमेलियर. हमें चार तरह की वाइन्स टेस्ट करवाई गई, विच वॉज अ रेड वाइन, अ रोजे वाइन, अ डिजर्ट वाइन एंड अ स्पार्कलिंग वाइन, जो यूजुअली इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है. तो इससे पता चलता है कि हमारा इंस्टीट्यूट हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देना चाह रहा है. जैसा कि आप सबने देखा, आज जो है हमने वाइन वर्कशॉप अटेंड की और मतलब काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला. चार डिफरेंट तरीके की जो है हमने वाइन टेस्ट की आज. काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा. और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, काफ़ी स्किल्ड प्रोफेशनल आए हुए थे बच्चों को ट्रेन करने के लिए. उसके बाद जो उन्होंने अपनी कंपनी का ब्रीफ बताया, कंपनी की हिस्ट्री बताई, उसके बाद जो उनके सिपाज थे ग्रेप्स के, वो बता रहे थे कि वो फ्रांस से किसी टाइम में सीड्स लेके आए थे और उनके सीड्स उन्होंने लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने ग्रेप्स उगाए हैं. और ज़बरदस्त वाइन थी, बच्चों को भी टेस्ट कराई, टीचर्स का फुल सपोर्ट था, टीचर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सिखाई उनके फ्यूचर के लिए. शायद मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है. बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कॉलेज की तरफ से. कॉलेज की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बच्चों को साथ में स्नैक्स सर्व कराए गए, ऑन वाटर सर्विस थी, सब कुछ अच्छा था. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. हमारा काफ़ी बढ़िया रहा. काफ़ी बढ़िया रहा.